नमस्कार। अभी रिसेंटली सीबीएसई तथा देश के अन्य स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा 12th क्लास के एग्जामिनेशन रिजल्ट अनाउंस किए गए हैं। आप सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को मैं डॉक्टर साधना पांडे, प्रोफेसर गवर्नमेंट के आरजी कॉलेज ग्वालियर, अपने एवं अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से बधाई देती हूँ तथा आगे की आपकी शिक्षा के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इस सेशन 23-24 के लिए प्रवेश प्रोसेस प्रारंभ कर दी गई है। यह एडमिशन प्रोसेस पूर्णतः ऑनलाइन है और इस पोर्टल के इस एडमिशन प्रोसेस के अंतर्गत आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एडेड कॉलेज और माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल पर एक्सेस करने के लिए आपको अपने ब्राउजर पर यह एड्रेस टाइप करना होगा, eprovesh.mponline.gov.in। इसे टाइप करते ही आप इस ई प्रवेश पोर्टल पर लैंड करेंगे और वहां पर आपको इस तरह का होम पेज दिखाई देगा। इस पोर्टल की कुछ मेन फीचर्स की यदि हम बात करें तो यहां पर आप अपने पसंद के कोर्सेज को चूज कर पाएंगे, अर्थात आपको किस प्रकार का प्रोग्राम आप करना चाहते हैं। आप यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं या पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। इस होम पेज में ही आप अपने कोर्सेज को भी चूज कर सकते हैं और दूसरे कोर्सेज को भी देख सकते हैं। प्रत्येक कोर्स के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यदि आप साइंस के कोई कोर्स प्रेफर करते हैं तो आपकी क्या पात्रता होगी उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, ये भी आप इस होम पेज के इस एलिजिबिलिटी टैब के अंतर्गत देख पाएंगे। साथ ही आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो किस यूनिवर्सिटी के टेरिटरी में आते हैं, किस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, ये भी आपको इस पोर्टल के होम पेज पर जानकारी मिलेगी। इस पोर्टल की एक अन्य खास बात यह भी है कि यहाँ पर ही इस एडमिशन पोर्टल के साथ साथ ही आप मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी जाने वाली डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में भी जान पाएंगे। यदि आप कोई स्कॉलरशिप के लिए अपने स्कूल में भी पात्रता रखते हैं तो उस स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करने के लिए आपको क्या करना होगा, यह भी यहाँ पर प्रदर्शित होगा। एक और अन्य फीचर जो आप इसके होम पेज पर देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स दिखाई देंगे जिसमें से आप यदि इस पूरी प्रोसेस के जो नियम हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रोसेस है, उसको भी आप इस पुस्तिका में, इस बुकलेट में देख पाएंगे। सेशन 23-24 में पूरी एडमिशन प्रोसेस किन किन फेजेस में होंगे, कितने यहाँ पर राउंड्स होंगे, ये सारी जानकारी आपको इस डेट शीट या समय सारणी पर मिलेंगी। इसके साथ ही जो एप्लीकेंट्स के कॉमन क्वेरीज होते हैं उसके लिए FAQ भी इसी पोर्टल के होम पेज पर मिलेगा। इस पूरी प्रोसेस को किन चरणों में पूर्ण करना है, क्या आपको एक्टिविटीज करनी है, क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं, यह सब भी छोटे छोटे स्टेप में हम समझ सकते हैं। आप अपनी एडमिशन प्रोसेस प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले स्टेप 1 को फॉलो करेंगे जिसमें आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आप इसमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आप आवश्यक जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो जमा करेंगे। इस सेशन में रजिस्ट्रेशन फीस फर्स्ट राउंड में 100 रुपीज है और इसके बाद आने वाले राउंड्स में, CLC राउंड्स में, यह फीस बढ़ जाएगी, 500 रुपीज हो जाएगी।
यहाँ यह बताना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट राउंड में गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, छात्राओं के लिए शासन के द्वारा कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस या पोर्टल फीस नहीं रखी गई है। अर्थात अब सभी छात्राएं इस राउंड में किसी भी अच्छे महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए यदि वो फर्स्ट राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार का शुल्क रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं देना है। जब आप रजिस्ट्रेशन फीस पे कर लेंगे या आप अपने बेसिक डिटेल्स को कंप्लीट कर लेंगे, फुलफिल कर लेंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट स्टेप आता है वहाँ पर आपको अपने पसंद के कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है और उन कॉलेजेस में जो कोर्सेज आप पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी सिलेक्ट करेंगे और उसे आप लॉक कराएंगे। गवर्नमेंट के इस पोर्टल के द्वारा आपको यह सुविधा दी गई है कि आप मैक्सिमम 15 कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं और उन्हें अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली लिस्ट करेंगे। जो आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा महाविद्यालय है उसे आप नंबर 1 पर और इसके बाद जिस भी क्रम से आप जिस महाविद्यालय में प्रवेश चाहते हैं उनको एनलिस्ट करेंगे। ठीक इसी तरीके से आप अपने कोर्सेज के लिए भी यदि आपकी पहले प्रेफरेंस लॉ है तो आप पहले उसे लिखिए। यदि आप लॉ में किसी प्रकार से एडमिशन आपका नहीं हो पाता है और आप बीए में भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप सेकंड नंबर पर बीए को लिखिए। इस तरह से आप अन्य कोर्सेज को भी एनलिस्ट कर पाएंगे। ये सारी अभी तक की प्रोसेस आपके द्वारा ही की जानी है और इन्हें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। इसके अगले स्टेप में आपने जो भी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, उन सभी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश में उनके द्वारा की जाएगी। यहाँ पर यदि आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें किसी प्रकार की एरर पाई जाती है तो आपको कॉलेज के द्वारा और हायर सेकेंड और एमपी पोर्टल के द्वारा आपको इसकी सूचना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर दी जाएगी। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल को ना चेंज करें इस पूरी एडमिशन प्रोसेस तक और नियमित रूप से अपने मोबाइल पर आने वाले फोन कॉल्स और मैसेजेस को देखते रहें, जिससे किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर या किसी भी प्रकार की आपसे यदि कोई जानकारी चाहिए जाती है तो आप इमीडिएटली जो आपका नियर बाय कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां पर जाकर आप अपनी इस त्रुटि को संशोधित करें, इसको करेक्ट करें, जिससे आपका नाम आने वाले जो अलॉटमेंट लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया जा सके और आपका एडमिशन सही तरीके से आसानी से हो सके। इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इस पोर्टल पर जो मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स होते हैं जिनको सीट अलॉट की जाती है उनकी लिस्ट पब्लिश की जाती है। इस लिस्ट के पब्लिश होने के बाद में जो अलॉटमेंट प्राप्त होते हैं जिन इन स्टूडेंट्स को, वो अपने इन अलॉटमेंट लेटर्स को डाउनलोड करते हैं। आप ये अलॉटमेंट लेटर अपने घर पर ही या अपने किसी नियर बाय कियोस्क सेंटर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात जब आपका अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाता है, आपको एक डेफिनेट टाइम दिया जाता है, एक समय निश्चित अवधि दी जाती है जिसके अंदर आपको एडमिशन फीस को पेमेंट करना होता है। यह एडमिशन फीस फर्स्ट फेज में आपको केवल 1,000 रुपीज जमा करनी होती है। इस कोर्स की या उस महाविद्यालय की जो भी फीस है इसका बैलेंस अमाउंट आपसे आगे इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा, पर प्रारंभिक रूप से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको केवल 1,000 रुपये ही जमा करने हैं। ये जो शुल्क है ये आप ऑनलाइन माध्यम से स्वयं कर सकेंगे या किसी कियोस्क सेंटर के द्वारा किया जाएगा।
यह प्रोसेस पूरी कर लेने के बाद आप अपनी एडमिशन स्लिप प्राप्त करेंगे और एडमिशन स्लिप प्राप्त करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन शुल्क पेमेंट करने की यह स्टेप पूरी होती है। इस स्टेप में जो भी आपको प्रोसेस करनी है उसको कुछ डिटेल में यदि हम देखें तो आपको जहां रजिस्ट्रेशन करना है उसमें आप अपना बेसिक डिटेल प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही आप यहां पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे। यदि आपके पास कोई वेटेज है, यदि आपने किसी स्पोर्ट्स में कुछ अच्छे मार्क्स अर्जित किए हैं, कोई सर्टिफिकेट अर्जित किया है और यदि वह सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर कंसीडर होता है तो उसे भी आप अपलोड करेंगे। आपकी रिजर्वेशन की कोई पात्रता है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ अपलोड करना है और उसकी जानकारी भी देनी है। आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, साथ ही आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर किया हुआ एक फोटो अपलोड करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ये यहाँ पर आपकी ये सारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दी गई एंट्रीज की जो जानकारी है उसे आप प्रिंट प्रीव्यू पर आवश्यक रूप से देखें। यह आपके द्वारा की जाने वाली बहुत ही आवश्यक प्रोसेस है और आप इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक करें क्योंकि इस फॉर्म में किसी भी प्रकार की एरर होने पर आपका एडमिशन प्रभावित हो सकता है। इसमें यदि इस एडमिशन फॉर्म में आपसे कोई टाइपिंग एरर या कुछ गलत इंफॉर्मेशन अपलोड की गई है तो आप इसे रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के पहले अपने लेवल पर ही इसे करेक्ट कर सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन फीस पे कर देंगे उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी करेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आपको पुनः एक बार आग्रह किया जाता है, आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू बहुत सावधानी पूर्वक जांच लें। आप इसकी एक रफ प्रिंट आउट लेकर भी उसको अच्छी तरह से पढ़कर सेटिस्फाई होने के पश्चात ही अपनी रजिस्ट्रेशन फीस को पे करें। रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद आपका फॉर्म वहां पर लॉक हो जाएगा, परंतु इस लॉक होने की प्रोसेस का मतलब यह कदापि नहीं है कि आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको आगे चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग से तात्पर्य यह है कि इसमें आप अपने पसंद के जो 15 महाविद्यालय हैं मैक्सिमम, उनको आप लिस्ट करेंगे, साथ ही जो कोर्सेज आप पढ़ना चाहते हैं उनको भी प्रेफरेंस वाइज ऐड करेंगे। तो चॉइस फिलिंग भी यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको आप आवश्यक रूप से पूर्ण करें। सामान्यतः यह देखा जाता है कि एप्लीकेंट्स ये दोनों स्टेप्स अर्थात अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू, उसमें दी गई जानकारी को चेक नहीं करते हैं और उसके आगे जो आपके कोर्सेज और कॉलेजेस को एनलिस्ट करने के प्रोसेस है, चॉइस फिलिंग के प्रोसेस है, इसे भी पूरा नहीं करते हैं। इन सारी असावधानियों के कारण कभी कभी उनका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं आ पाता है। अतः आप इन दोनों काम को बहुत सावधानी से पूर्ण करें। जब आप इस तैयारी के साथ में आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जाएंगे, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी तो उसमें सबसे पहले आपको अपनी जो अभी आपने परीक्षा पास की है उसकी मार्कशीट आपको आवश्यक होगी अपलोड करने के लिए। इन केस यदि आपकी मार्कशीट बोर्ड के द्वारा इशू अभी नहीं की गई है, उसके स्थान पर आप इंटरनेट की जो डाउनलोडेड मार्कशीट है उसको भी अपलोड कर सकते हैं और इसमें जो भी आपको प्रोविजंस दिए गए हैं उसे आप रूल बुक के 5.4.1 पर और डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने पर, डाउट होने पर आप अपने नियर बाय गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर अपनी क्वेरीज का समाधान भी कर सकते हैं।
हर गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंक्लूडिंग हमारे केआरजे कॉलेज में इस तरीके के हेल्प सेंटर्स हैं जो आपको एडमिशन प्रोसेस के हर स्टेप पर गाइड करेंगे और आपकी एडमिशन प्रोसेस पूरा होने में हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इसमें क्या क्या प्रोविजंस है इसको डिटेल में देखने के लिए आप रूल बुक के 5.4.2 को अध्ययन कर लें। साथ ही यदि आपको EWS की पात्रता है तो आप यह सर्टिफिकेट भी अपने पास तैयार रखिए। वेटेज की बात अभी हमने की थी, यदि आपको किसी स्पोर्ट्स में या किसी अन्य आउटस्टैंडिंग एक्टिविटी में कोई सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और उस सर्टिफिकेट में कितना वेटेज है इसको भी डिटेल में जानने के लिए आप रूल बुक के 5.4.4 का अध्ययन कर लें। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपके लिए आवश्यक होता है वह है डोमिसाइल सर्टिफिकेट अर्थात आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र। यहाँ पर ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो एमपी में ही रहते हैं और जिन्होंने 10th और 12th अपने एग्जाम्स एमपी के ही में ही पास किए हैं उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगाने हैं, किंतु जो स्टूडेंट्स एमपी के निवासी हैं उन्होंने 10th और 12th किसी और स्टेट से किया है उन्हें अपने एमपी का मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना होगा। साथ ही जो स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं किंतु उन्होंने 10th और 12th एमपी में किया है उन्हें भी अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लगाना होगा। इसके साथ ही आपने जिस स्कूल से या जिस कॉलेज से अभी तक का एजुकेशन पूरा किया है वहां पर आप अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लेंगे। आपकी जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं इसको डिटेल में देखने के लिए आप रूल बुक के 4.1.1 और 4.1.6 का अध्ययन कर लें। यदि आपने अपनी 12th क्लास एमपी के बाहर और सीबीएसई के अलावा किसी और स्टेट बोर्ड से की है या अपने मध्य प्रदेश के द्वारा संचालित जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें आपने 12th किया है, ऐसे सभी स्थितियों में आपको एक पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जो आपकी संबंधित यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाएगा। यह एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके लिए आवश्यक है और जब तक आपको यह एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यदि प्राप्त नहीं होता है उस स्थिति में आपने जो आवेदन किया है उसकी रिसीप्ट भी आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट। यह पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट केवल उन विद्यार्थियों के लिए उन एप्लीकेंट्स के लिए आवश्यक है जो अपना प्रीवियस एजुकेशन अर्थात आपका हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन और जो यूजी का क्वालिफिकेशन है वो यदि आपने एमपी के अलावा किसी और स्टेट से किया है तो आपको यह पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। इस तरह से जब आप अपने पोर्टल के ई प्रवेश पोर्टल के होम पेज पर जाएंगे और आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कुछ ऑप्ट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको ये सारी यूटिलिटीज मिलेंगी। इसके अंतर्गत आप यदि नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा और यदि माइनॉरिटी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका उसके लिए फॉर्म ओपन होगा। इसके पश्चात जब आप देखेंगे तो आपके पोर्टल पर आपको जहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म भरना है वहाँ पर ये सारे लिंक्स और यूटिलिटीज आपको दिखाई देंगे। इन्हें आप स्टेप वाइज पूरा कीजिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, उसके बाद में अपना फॉर्म लॉक करके रजिस्ट्रेशन फी जमा कीजिए और अपने जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसको भी प्राप्त करके जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो वो उसे भी आप डाउनलोड कर लें। आपको चॉइस फिलिंग करना बहुत आवश्यक है
बिना चॉइस फिलिंग के आपको वो कोर्स अलॉट नहीं हो पाएगा, और किसी प्रकार का आप एडिट करना चाहते हैं आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर, तो उसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट यूटिलिटीज सुविधाएं आपके लिए प्रदान की गई हैं, उन्हें भी आप इस पोर्टल के इस टैब पर देख सकते हैं। यदि आपका एप्लीकेंट आईडी आपको जानना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। किसी कारण से आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर पासवर्ड को पुनः रीजनरेट करने की आपको यूटिलिटी प्रदान की गई है। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया है, उसका अब तक वेरिफिकेशन हो पाया है या उसमें किसी प्रकार की एरर है, उसे आप ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस के अंतर्गत देख सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यह भी यूटिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इतनी सारी सुविधाओं के साथ में इस पोर्टल को आपके लिए तैयार किया गया है, जिससे आपकी एडमिशन प्रोसेस बहुत ही आसान हो और आप इसे सुविधा अनुसार, आप अपने समय और सुविधा और रिसोर्सेज के अनुसार आप अपनी एडमिशन प्रोसेस को कर पाएं। जब हम अपने बेसिक डिटेल भरने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है कि आपने क्या अपनी हायर सेकेंडरी की एग्जाम एमपी बोर्ड से, ओपन स्कूल से अथवा सीबीएसई से दी है। यदि आप इस पॉइंट को टिक करेंगे, यहाँ पर आप यस आपकी सहमति होगी, तो आपका सारा डाटा आपके उस कंसर्निंग बोर्ड से ले लिया जाएगा। और यदि आपने आपका जो 12th एग्जाम जो आपने दिया है, पढ़ाई की है, वो आपका एमपी बोर्ड से या ओपन स्कूल से सीबीएसई से नहीं है, तब आपको आगे अपने फॉर्म पर डिटेल्स देनी होंगी और उसमें जो भी डिटेल आप देंगे बहुत ही सावधानी पूर्वक देंगे। यहाँ आप देख पाएंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको क्या क्या जानकारी देनी है। आपको अपना नाम लिखना है, अपने नाम को पुनः एक बार कंफर्म उसके स्पेलिंग से ही लिखना है। यहाँ आप नेक्स्ट बॉक्स में अपने मदर का, अपनी माँ का नाम लिखेंगे और उसके स्पेलिंग और नाम पूर्णतः स्पष्ट और सही होना चाहिए। इस बॉक्स में आपके पिताजी का नाम आपको लिखना होगा। यहाँ पर भी आप नाम की स्पेलिंग और उसे बहुत स्पष्ट रूप से लिखें। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो भी इस बॉक्स में लिखी जाएगी और उसे पुनः इस बॉक्स में लिखकर कंफर्म करना होगा। ये जो सारी डिटेल्स हैं, ये आपके 10th की मार्कशीट में जिस प्रकार से लिखा गया है, केवल वही इंफॉर्मेशन उसी रूप में दी जाएगी। किसी भी प्रकार का नाम में परिवर्तन या डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार का कोई चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान में रखकर इस पार्ट को कंप्लीट करें। इसके पश्चात आपको जेंडर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है, उसे आप चूज कर लेंगे। आपको रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, आपकी मैरिटल स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन देना है और अपने जेंडर को पुनः आप एक बार इस बॉक्स में कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप अपना ब्लड ग्रुप इंटीमेट करेंगे और समग्र आईडी का नंबर देंगे। इस बॉक्स में आप अपना ईमेल आईडी आवश्यक रूप से लिखें और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करें। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, यह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और इस पर ही आपके सारी इंफॉर्मेशंस, सूचनाएं, नोटिसेस आपको शेयर की जाएंगी। इस नंबर को आप कभी भी ना बदलें। इस तरह से जब आप ये प्रोसेस करते हैं, उस बीच में जब आप अपना बेसिक डिटेल को लॉक करते हैं, तब आपको एक ओटीपी प्राप्त होता है और वहां पर आपका ये एक एप्लीकेंट आईडी जनरेट होता है। इस एप्लीकेंट आईडी को आपको बहुत संभाल के नोट करके रखना होगा। कभी भी आप इस एप्लीकेंट आईडी और अपने पासवर्ड की सहायता से ही अपने फॉर्म या अपने स्टेटस को चेक कर पाएंगे। यह एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैंने आपको पहले भी बताई कि इस समय में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं
तो आप अपने रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट जरूर एक बार देख लें और उसे अपने पास सिक्योर करके रखें। जब तक आप अपने रजिस्ट्रेशन की फीस पे नहीं करते हैं, तब तक आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आवश्यकता अनुसार चेंजेस कर पाएंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉक हो जाने पर उसकी फीस पेमेंट कर देने के बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन आपके लेवल पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर नहीं हो पाएगा। इसमें किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए या इसको कैंसिल करने के लिए आपको अपने नियर बाय गवर्नमेंट कॉलेज में जाना ही होगा। इस तरह से आप अपने एडमिशन के जो दो मेन स्टेप्स हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करना और चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करना, यह पूरा करके आप एडमिशन प्रोसेस के प्रथम चरण को पूरा कर लेंगे। हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेजेस में या एडेड कॉलेजेस में या माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो एडमिशंस प्रारंभ हुए हैं उनकी डेट शीट उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदर्शित कर दी गई है, पब्लिश कर दी गई है और इसका फर्स्ट राउंड 25 मई से स्टार्ट हो गया है। इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट जो फेजेस है एडमिशन के, वो किन डेट से किन कोर्सेस किन प्रोग्राम के लिए प्रारंभ हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये जो कॉलम्स हैं, ये आपको यूजी प्रोग्राम में कब कौन सी एक्टिविटी होंगी, कब कौन सी इवेंट्स होंगे, इनकी जानकारी दे रहा है। और ये जो नेक्स्ट कॉलम्स है, यहाँ पर आप पीजी प्रोग्राम्स के लिए इन इवेंट्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना, यह प्रोसेस 25 मई से स्टार्ट हो चुकी है और 12 जून तक आप यूजी प्रोग्राम्स के लिए अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर पाएंगे। पीजी प्रोग्राम्स के लिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की डेट 26 मई से है और 13th ऑफ जून तक आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने की प्रक्रिया किसी भी दिवस में कर सकते हैं। इसके पश्चात 26 मई से लेकर 15 जून तक नियमित रूप से जो फॉर्म्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्राप्त होंगे उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसी प्रकार से पीजी प्रोग्राम के लिए फॉर्म्स का वेरिफिकेशन 27 मई से लेकर 16 जून तक किया जाएगा। सभी पात्र कैंडिडेट्स की जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो 19th को पब्लिश होगी, 19th ऑफ जून को पब्लिश होगी यूजी प्रोग्राम्स के लिए, और पीजी प्रोग्राम के लिए यह लिस्ट 20th जून को पब्लिश होगी। इस लिस्ट में आपका नाम आने पर आप अपनी एडमिशन फीस 19th जून से लेकर 23rd जून तक यूजी प्रोग्राम के लिए और पीजी प्रोग्राम्स के लिए आप अपने एडमिशन फीस 20th जून से लेकर 24th जून तक अपने स्वयं के ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा या कियोस्क सेंटर पे जाकर आपको यह एडमिशन फीस सबमिट करनी है। इस पोर्टल पर जो कि उच्च शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निर्मित किया गया है, इसमें और एक बहुत ही अच्छी खूबसूरती है जो आपके लिए जानना आवश्यक है। यदि जो कॉलेजेस में आप एडमिशन चाहते हैं, आपका पहला प्रेफरेंस का जो कॉलेज है, फॉर एग्जांपल यदि आपने बीए कोर्स के लिए आपका जो सबसे पसंदीदा प्रोग्राम है वो बीए है और आप उसे केआरजी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, पर मेरिट लिस्ट में ना आने के कारण आपको केआरजी कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं होता है, आपको किसी अन्य कॉलेज में होता है, तब आप बिना किसी अफसोस के साथ उस कॉलेज में फीस जमा कर सकते हैं। यदि ये फेज पूरी होने के बाद में जहाँ पर आपको ये फीस सबमिट करनी है वो अवधि मतलब 23rd मई के बाद में यदि केआरजी कॉलेज में कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, वहाँ पर जितने अलॉटमेंट हुए हैं यदि सभी कैंडिडेट्स ने फीस नहीं जमा की है और कुछ सीट्स वैकेंट हैं, तो मेरिट के आधार पर नीचे वाले कैंडिडेट्स को ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा। यदि आपने किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश ले भी लिया है और आपकी पात्रता
अब 19th मई के बाद केआरजी कॉलेज के लिए बनती है, तो आप निश्चित रूप से इस केआरजी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। आपका प्रवेश इसी महाविद्यालय में माना जाएगा। जो आपने ऑनलाइन एडमिशन फीस सबमिट की है वो ऑटोमेटिकली पोर्टल के द्वारा उस संबंधित कॉलेज में जहां पर आपका अपग्रेडेशन हुआ है वहां पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। अर्थात आपको इसके लिए कोई भी दोबारा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। अपग्रेडेशन की यह प्रोसेस 25th से प्रारंभ होगी। उसके बाद फाइनली अपग्रेडेशन के बाद जो सीट्स वैकेंट रहेंगी उनके स्थान पर भी नए कैंडिडेट्स को एडमिशन की पात्रता दी जाएगी और उनके लिए पुनः उनका डिस्प्ले होगा उनके नाम का, और वो भी इसी तरीके से फीस पेमेंट की प्रोसेस पूरी कर पाएंगे। इस तरह से ऑनलाइन प्रवेश 23-24 के फर्स्ट राउंड में हमारी प्रोसेस शुरू होती है यूजी प्रोग्राम्स के लिए 25th में से, और 25th जून तक यह हमारा फर्स्ट राउंड यूजी प्रोग्राम के लिए संपन्न हो जाएगा। इसी तरीके से पीजी प्रोग्राम की जो प्रोसेस जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 26th मई से शुरू होगा और 26th जून पर जाकर हमारे एडमिशन का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा CLC अर्थात कॉलेज लेवल काउंसलिंग चरण शुरू होगा, और इस चरण में भी ये सारे स्टेप्स इन जो डेट शेड्यूल है जो टाइम शेड्यूल है इसके अंतर्गत पूरी की जाएंगी। तो इस तरह से आपको अपने रजिस्ट्रेशन की जो सबसे प्रारंभिक प्रोसेस है वो पूरी करनी है और आपके एडमिशन शुल्क पेमेंट तक की जो प्रोसेस है उसके लिए आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है। जस्ट टू रिवाइज फिर से हम एक बार इसे याद कर लें, आप एडमिशन लेने के लिए पहले क्या आप तैयार हैं अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ में, आपकी जो कोर्स प्रेफरेंस है उनकी आपने तैयारी कर ली है, उनका कोड आपने नोट कर लिया है, और साथ ही आपको किन महाविद्यालय में इन कोर्सेज को पढ़ना है उन कॉलेज कोर्स का उन कॉलेजेस का आपने कोड नोट कर लिया है। यदि ये सारी प्रिपरेशन आपने कर ली है तो अब आप आगे बढ़ें और आपकी सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।